हेलो वेलकम नमस्कार और जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही हो गए और नहीं और ठीक नहीं होता आज का ब्लॉग देखो ठीक हो जाओगे। आज कल मैंने बताया ही था कि मतलब ऐसे हॉस्पिटल में पापा एडमिट हैं तो रोज का रोज अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कुछ दिन तक। आज शायद तो पूरा दिन और पूरा रात भी वहीं रहना पड़ेगा मुझे। तो अभी जा रहा हूँ, घर से निकला थोड़ी देर पहले उठा तो फ्रेश व्रेश होकर नाश्ता करके अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। देखूँ क्या होता है क्या नहीं, कितने बजे मतलब ओटी में ले जाता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर और कब तक क्या डॉक्टर मुझे क्या बोलता है क्या नहीं सब आप देखो। तो चलो देखते हैं। और पुरानी ब्लॉग्स में मतलब ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यू ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ट्रेन में अभी लेट है, लगभग 20 मिनट लगेंगे ट्रेन आने में। और अभी मतलब कि टिकट विकेट लेके अभी खड़ा हूँ, रिटर्न टिकट नहीं लिया, सोचे कि रिटर्न ले लेता। मतलब कि रिटर्न लेता तो जैसे कि 24 घंटे की वैलिडिटी रहती है और अभी नॉर्मली टिकट लिया तो इधर से उधर जाने का बस वैलिड है, उसके बाद उधर से फिर से टिकट का लाइन लगा के कटवाना पड़ेगा। तो चलो लेट्स गो, देखते हैं आगे क्या होता है। पहले SI हॉस्पिटल पहले पहुँच जाऊँ उसके बाद। फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुंच ही चुका हूं और मतलब पापा के वार्ड में जाना है, ऊपर में पापा एडमिट हैं तो वहां जाने के लिए मुझे मतलब फर्स्ट फ्लोर पर हैं। अभी जा रहा हूं, देखूं डॉक्टर क्या बोलता है। शायद मुझे 2-3 दिन रुकना भी पड़ सकता है हॉस्पिटल में, तो ऊपर वाले वार्ड में वहां पे एडमिट हैं। देखो क्या होता है, डॉक्टर अगर बोले ऑपरेशन के बाद तो शायद आज और कल और परसों ये 3 दिन मुझे रुकना पड़ सकता है यहाँ पर। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद मुझे फ़र्स्ट फ्लोर पर जाना रहता है तो मैं फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ सीढ़ी से चढ़ जाता हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा फ़ोन नीचे करके चल रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे टोके ना या रोके ना कि तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। इस चीज़ के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए और फिर फ़ोन को ऊपर करता हूँ और अपने पापा के वार्ड की तरफ आगे जा रहा हूँ। सो देखता हूँ कि आगे क्या हो रहा है। अभी तो शायद पापा ने कॉल किया था, उन्होंने बताया कि मतलब साइन हो चुका है, एक पेपर वगैरह पर साइन लिए हैं डॉक्टर्स ने। सो अभी जाऊँ क्या हो रहा है, शायद मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। देखो अभी क्या बोलते हैं डॉक्टर या क्या पापा बोलते हैं। दोपहर के 11:30 बजे के लगभग पापा को मतलब डॉक्टर्स बुलाने आ रहे हैं और बोले कि साथ चलिए ऑपरेशन थिएटर में। सो मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद ऑपरेशन चालू हो गया है। सो मैं बाहर बैठ के वेट कर रहा था, मतलब 2-3 घंटे टाइम शायद हमको लग रहा था कि वैसा लगेगा ही, तो मैं अब बाहर बैठा हूँ, देखूँ क्या होता है। और डॉक्टर्स ने बोला है बस कि बाहर वेट करो, जैसे ही मैं आवाज़ दूँगा तो मुझे तुम यहाँ चाहिए पेशेंट को ले जाने के लिए। और सामने TV चला दिए हैं।
हॉस्पिटल में मैं दोपहर के टाइम में जब घुसा ना तो पापा का सिग्नेचर वगैरह ले चुका था, कुछ एग्रीमेंट कागज पत्र का मतलब कागज वगैरह का साइन वगैरह लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ड्रेस चेंज करने के लिए दिया, पापा ने ड्रेस चेंज किया, हॉस्पिटल में लेके मतलब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। अभी 3-4 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से छोड़ा और उसके बाद पापा को बेड पर ले जाकर लेटा दिया गया है। पापा लेटे हुए हैं हॉस्पिटल, तो मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल सब हो गया, सही हो गया। तो अभी पापा मतलब लेटे हुए हैं, खाना वाना मैं खाया, पापा का हिस्से का खाना मैं खा गया, अब जो खाना आता है तो खाना वाना खा के मैं अभी बस नॉर्मली अंदर ही बैठा हूँ। ये रात भर और कल दिन भर रात भर मतलब 2-3 दिन यहीं पे रुकना है हॉस्पिटल में। सो हॉस्पिटल से ब्लॉग करूँगा और क्या, जैसे भी हो करना है ब्लॉग ना, पैशन है आपके लिए ब्लॉग डालना है और आपको दिखाना है। ये वो वार्ड था जिसमें पापा को मैंने एडमिट करवाया है, और जब मैं खाना वाना खा रहा हूँ तो यहाँ पर एक बिल्ली आकर बैठी है, बस उसी को मैं घूर रहा था। उसके बाद मैं आसपास का आपको सीनरी दिखाता हूँ, वार्ड में कितने लोग हैं, और ये सिलाइन चढ़ रहा था ऑपरेशन के आने के बाद। मतलब अभी दिन भर हॉस्पिटल में गुजारने के बाद कुछ भैया लोगों ने मुझसे कहा कि बाबू थोड़ा चाय ला दो, तो अभी मैं चाय लेने बाहर आया हूँ। और भैया लोगों ने ये बोला था कि 10 रुपये का चाय लेना, मतलब अच्छा ही देता है, लेकर आना, मैं तुम्हें भी टेस्ट करवाऊँगा। मैंने बोला नहीं भैया, मैं 3 बार चाय पी चुका हूँ, अभी देखूँ बाहर से चाय लेने आया हूँ तो लेकर अंदर जाऊँ पहले। अंकल लोगों ने अभी चाय के लिए भेजा था, चाय लेकर आया, काफ़ी भूल गया था, फिर दोबारा गया कप लेके आया, और अभी फिर से जो बिल्डिंग में था मतलब ऊपर में फ्लोर में, वहाँ फिर से जा रहा हूँ। शाम को नाश्ते में चाय वाय और बिस्किट देने के बाद थोड़ी देर बाद खाना के लिए मतलब खाना लेकर आते हैं एक अंकल और आंटी। अब सबको खाना खाते हुए देख मुझे भी लग गई है भूख, तो मैं भी खाना खाने बैठ गया हूँ। साथ में बिल्ली भी बैठी हुई है नीचे में, म्याओ म्याओ कर रही है, और मुझे भूख लगा है तो अब मैं खाना खा रहा था, मतलब खाना खा ही रहा हूँ। वैसे हॉस्पिटल में उतना अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा मतलब कि सर घूमना ऐसा कुछ लग रहा है बार बार। ये रात हो गया है, खाना वाना खा के घूम रहा हूँ, ना पीछे कोई दिख रहा है ना इधर कोई दिख रहा है, हॉस्पिटल के वार्ड के सामने घूम रहा हूँ, इस वार्ड में पापा एडमिट है। अभी बस घूम रहा हूँ टहल रहा हूँ ऐसे ही। अभी सिलाइन के लिए इन्फॉर्म करने गया था, सिलाइन कम हो चुका, सो इन्फॉर्म करके अभी जस्ट आया हूँ।